Hi friends, my name is Antima Sharma and I am a MET student and I am going to upload this video just for your help. As I am preparing for my exam and what I think is whatever I am preparing or whatever I have read, I should share it. So if anyone who needs some explanation or it might help someone or maybe no one. So anyways, I am going to talk about a linear program instruction. Today, I'm preparing for educational technology. It's really an interesting subject. So, basically, what a linear program instruction is? We can say like linear program instruction is a kind of method for teaching. In if we talk about it in educational technology, it's a kind of technique which was developed earlier by Skinner, B.F. Skinner. जिसके बारे में हमने साइकोलॉजी में भी काफ़ी पढ़ा है. बी एफ स्किनर की एक बहुत फेमस थ्योरी है जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. सो द सेम थिंग इज ट्राइंग टू अप्लाई हियर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. तो बी एफ स्किनर की ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हुए बी एफ स्किनर ने एक्चुअली क्या अकॉर्डिंग टू हिम कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है या लीनियर इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि आज हम सिर्फ लीनियर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज वेल जस्ट फॉर यू. तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें जो है वो जब एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो इसमें जो प्रोग्राम्ड तरीके से पढ़ाया गया है तो क्या किया जाता है एक्चुअली कि इसमें छोटे छोटे फ्रेम्स बनाए जाते हैं. स्टूडेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे स्टेप्स में दी जाती है. इसीलिए इसके जो बहुत इस जो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है इसमें बताया गया है कि पांच मेन प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन चलती है. और उसका सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स. मीन्स जो भी हम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दें वो छोटे छोटे स्टेप्स में हम वो इन्फॉर्मेशन दें. So, principle of small step, that is the first thing. Second is principle of active responding. Means, जब आप एक कुछ स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर रहा है या नहीं, तो उसको आपने कैसे रिकग्नाइज करना है या कैसे एक्नॉलेज करना है. तो जब आपने इन्फॉर्मेशन दी, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने एक suppose law of gravity we are talking about today as a teacher in the class. तो क्या होता है कि अगर आपने law of gravity पढ़ाया तो आपने पहले उस law of gravity को छोटे छोटे parts में divide किया. Means law of gravity कब आया, किसने propound किया, इसका meaning क्या है, ये कैसे use होता है, examples इसके different. तो इस तरह से आपने ये law के बारे में छोटे छोटे frames में information को दे दिया. आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने ले ली, दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये लॉ किसने प्रपाउंड किया. उसने ये इन्फॉर्मेशन ले ली, वो फ्रेम उसने ही हैड गोन थ्रू दैट पर्टिकुलर फ्रेम. आफ्टर दैट ही वी और स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज टू आइडेंटिफाई और इवेल्युएट वेदर ही और शी हैज लर्न्ड और नॉट. तो उसके बाद जैसे छोटा सा उसके ऊपर, जैसे हम एक बुक में पढ़ते हैं, लेसन हमने पढ़ा और उस लेसन के बाद छोटी सी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं. तो उस तरह से छोटी सी फ्रेम में एक इन्फॉर्मेशन दी गई और फिर उसको एकदम से उसका टेस्ट ले लिया गया कि वो समझ में आया स्टूडेंट को कि नहीं आया. इट मीन्स उस फ्रेम के आधार पर जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर स्टूडेंट ने अगर उसका सही आंसर दिया है, इट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने ग्रैस्प की है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग. अगर स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है या गलत आंसर दे रहा है तो उसे एकदम से एक्नॉलेज किया जाता है कि यस इट इज वेरी इट्स ट्रू वट एवर यू हैव फील्ड इट्स राइट. तो एक वो सेल्फ मॉनिटरिंग एक्टिविटी बन जाती है, स्टूडेंट खुद भी ये असेस कर पाता है कि ये सही आंसर है या गलत आंसर है. तो दिस इज द सेकेंड थिंग. देन इमीडिएट कॉन्फर्मेशन, वट एवर इज बींग टॉट
whatever is being informed through that frame, student is being, immediately confirmed that whatever you have done is right or wrong. So that actually works like a reinforcement. After that, we say evaluation, means student testing. After that, student has done a kind of small test. So that is a student test. So that's all. So this is linear program instruction propounded by B.F. Skinner. And about the program instruction, that is the branching program instruction, we'll talk in the next video. Bye-bye. Have a nice day.